टेस्ला, एक्स और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक एलन मस्क हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कभी वे अपने किसी बयान की वजह से चर्चा में रहते हैं, तो कभी 4.15 लाख करोड़ के पैकेज को लेकर। अब एक बार फिर एलन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला सुर्खियों में है। असल में एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला को एक अमेरिकी कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कैलिफोर्निया के एक जज ने शुक्रवार को एक सिविल मामले के निपटारे के तहत टेस्ला को $15 लाख यानी भारतीय रुपए में कहें तो 1,245 करोड़ रुपए का पेमेंट करने का आदेश दिया है। अब टेस्ला पर यह जुर्माना क्यों लगाया गया है और एलन पैसा चुकाएंगे या नहीं, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। टेस्ला पर यह जुर्माना उस मामले में लगाया गया है जिसमें इस पर आरोप लगाया गया कि कंपनी ने अपने कार सर्विस सेंटर्स, एनर्जी सेंटर्स और एक फैक्ट्री के खतरनाक कचरे को सही तरीके से नहीं संभाला यानी डिस्पोज नहीं किया। अब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने इस पूरे मामले पर और क्या क्या बातें कही हैं ये भी जान लीजिए। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एनवायरमेंट को बेहतर रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन यह भी पहचानना जरूरी है कि उन्हें बनाने और रख रखाव से हानिकारक वेस्ट पैदा होता है जिसका सही से डिस्पोजल करना बहुत जरूरी होता है। बता दें एलन मस्क इस गलती को मान गए हैं और जुर्माने की रकम को देने के लिए भी तैयार हो गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो एलन मस्क के लिए बुरी खबरें आना बंद नहीं हो रही है। 2 फरवरी को ही अमेरिका के नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन यानी NHTSA ने टेस्ला की गाड़ियों के डैशबोर्ड में वार्निंग लाइट्स के इनकरेक्ट फॉन्ट साइज की वजह से गाड़ियों के क्रैश होने का खतरा जताया था, जिसके बाद एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने 22 लाख गाड़ियां वापस बुला ली थी। बता दें ये किसी भी कंपनी की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा व्हीकल रिकॉल है। इससे पहले भी टेस्ला ने 2 महीने पहले भी 20.3 लाख गाड़ियों को वापस बुलाया था। तब ऑटो पायलट एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम में नए सुरक्षा उपाय इंस्टॉल करने के लिए ये रिकॉल किया गया था। इन खबरों से तो यही लगता है कि भारत में टेस्ला की गाड़ियों का सपना संजोए या सपना देखने वालों के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है। अब जाते जाते जिस कंपनी की इतनी चर्चा हो रही है उसके बारे में भी जान लेना चाहिए। टेस्ला के पास कैलिफोर्निया में करीब 57 कार सर्विस सेंटर्स और 18 सोलर एनर्जी फैसिलिटीज है। ये सैन फ्रांसिस्को यानी खाड़ी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण करती है। टेस्ला के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें 20.6% हिस्सेदारी एलन मस्क की ही है। इसके बाद जैचरीज के पास करीब 0.08% हिस्सेदारी। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट के अनुसार एलन मस्क $198.4 अरब की संपत्ति के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान है। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजातरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।